हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिका। सो मम्मा आज आ रही थी उनके बेस्ट फ्रेंड के घर, तो मैं भी साथ में आ गई। एंड यहाँ पे हम दोनों ने आंटी गेहूं से मारी थी शाम को, हम दोनों ने उनकी हेल्प कर दी। आंटी क्या कर रहे हैं आप? गाइस, दादी जी बहुत सुंदर क्यूट थी। एंड गाइस, शंकरपुर बहुत ज्यादा सुंदर है। एंड यहाँ पे मैं दादी जी से पूछ रही थी कि पिट्ठू कैसे खेलते हैं उनके जमाने में, आप भी खेल। और हम उनसे पूछ भी रहे थे कि अगर आपको हमारे साथ खेलना है तो खेल लो, बट वो भाग नहीं सकती इसलिए वो हमारे साथ नहीं खेल रही थी। एंड बहुत मजा आया, मैंने बहुत पिट्ठू खेला, इतने गेम्स खेले मैंने वहाँ पे। यहाँ पे गाइस हम पहले रहते थे, आपको पता है। एंड दादी जी भी मेरे से बात, वही पत्थर होते हैं बच्चे, वही तो बोल रही हैं। हाँ जी हाँ, नहीं तो उस पर मारते हैं, वही सेम चीज बता रहे हैं बच्चे, वही तो बता रही है। हाँ सो गाइस, ये देखो मैं खेल रही हूँ यहाँ पर पिट्ठू। और गाइस फिर हाथ मुंह धो के हम सब बच्चों ने की पूजा। ईवा के साथ खेल रही हूं, बहुत क्यूट सी पपी है। एंड उसके बाद आंटी ने बनाए एकदम टेम्पटिंग से छोले भटूरे। सो गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग में मिली एक काऊ से जो कि बहुत क्यूट थी। एंड उसका एक न्यू बेबी हुआ था जिससे मेरे को डर लग रहा था। मैं उनसे पूछ रही थी कि मैं आपकी बेबी को टच कर लूं या नहीं। एंड फिर आए पीछे से अंशुल भैया, उन्होंने टच किया तो मेरे पे थोड़ी सी हिम्मत आई कि मैं उसको टच करूं बछड़े को। एंड फिर मैंने फाइनली टच कर लिया। सो गाइस, उसके बाद देखिए मैंने घास काटने की मशीन पर, ये नॉर्मल वाली नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। खरीद तो अंशुल खेत का ही होता है, खेत का जो होता है ना। सो गाइस, उसके बाद हम गए कोटी जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है। फिर वहाँ पे एक छोटा सा जंगल था, हमने यहाँ पे लंच भी किया। एंड उसके बाद मैं और अंशुल भैया थोड़ा ऊपर चढ़े एंड मम्मा ने हमारी हेल्प भी की। सो गाइस देखो, हम दोनों यहाँ पे घूम रहे हैं इतने ब्यूटीफुल से जंगल में। एंड गाइस आप लोग देख सकते हैं मम्मा भी कितने ऊपर चढ़ गई थी। तो गाइस फनी लग रही है ना, फ्रॉग की तरह पकड़ पकड़ के चल रही थी ताकि मैं गिर ना, बहुत स्लिपरी थी। गाइस हम मम्मा के साथ वापस आ गए नीचे। तो गाइस ये कोटी में बहुत सुंदर वाटरफॉल था, हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया। और गाइस ये इतनी तेज और अच्छी आवाज चल रही थी, ऐसा लग रहा था मैं उड़ी जाऊंगी। मैंने और अंशुल भैया ने किए पूल में, इतने मजे पूछो मत। एंड उसके बाद हम लोग गए आंटी के घर क्योंकि मुझे ईवा की बहुत याद आ रही थी। एंड वहाँ पे हमारी कार भी पार्क थी, तो मैं ईवा से मिली। एंड उसके बाद हम लोग गए अपने घर देहरादून वापस। सो बाय गाइस,